प्रतीक अहमद पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है नेहा। साबरमती जेल से भी वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल वहां कर रहा था। ये पता चला है कि वो अपना सिंडिकेट अतीक अहमद ने मोहम्मद मुस्लिम नाम के एक बिल्डर को धमकी दी थी और 5 करोड़ रुपए मांगे थे। मोहम्मद मुस्लिम ने एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद को 80 लाख दिए थे और इन 80 लाख का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किया गया था। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, लेकिन अब बड़ा सवाल लगातार गुड्डू मुस्लिम को लेकर उठ रहा है, उसका क्या रोल था इन दोनों के शूटआउट में? क्योंकि उसने फोन ऑन किया, लास्ट लोकेशन कर्नाटक ट्रेस हुई, इसके बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली। नहीं, बिल्कुल उसकी पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन देखिए ये जितने भी शूटर थे उस शूटर्स को लीड करने वाला था गुड्डू मुस्लिम। और अगर अपराध की बात की जाए तो अपराध में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गुड्डू मुस्लिम का है, चाहे उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन जो इनकाउंटर में सबसे पहले उसके लिए यूपी एसटीएफ बनी थी श्री प्रकाश शुक्ला, उसके साथ रह चुका था। उसके अलावा यूपी में कई ऐसे डॉन है, उसके साथ रह चुका था। सबसे डराने और चौंकाने वाली बात यह है कि वो गाड़ी में चलते चलते बम बना वो तैयार कर सकता है, और जिस तरह से तस्वीरों में आपने देखा था कि किस तरीके से वो लगातार बमबाजी कर रहा था। प्रयागराज से फरार होने के बाद वो मेरठ पहुंचा था, जिसके सीसीटीवी फुटेज आज तक ने दिखाया था कि बकायदा वो अकलाक के घर मेरठ में घुसता है, फिर बैग में पैसे लेता है और वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद वो झांसी पहुंचता है, झांसी उसी जगह पर जहां से कुछ दूरी पर असद और गुलाम का इनकाउंटर हुआ था, वहां शेल्टर लिया था। लेकिन ये कई इलाकों में दाखिल हो रहा है, कर्नाटक में दाखिल हुआ, लेकिन अभी इसकी लोकेशन अब दूसरे स्टेट में भी मिल रही है। जल्द ही आज तक के जरिए हम उस बात का भी खुलासा करेंगे, लेकिन ये काफी चौंकाने वाली बात। और सबसे खतरनाक इन जितने भी शूटर्स है उसमें सबसे खतरनाक है तो वो आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अतीक और अशरफ की हत्या का मुद्दा बिहार में भी गूंज रहा है। बिहार के सीएम ने इस हत्याकांड पर हैरानी जताई तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पूरा हत्याकांड स्क्रिप्टेड है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की गूंज सूबे की सियासत में सुनाई दे रही है। इस हत्याकांड के बाद बीजेपी विरोधियों के निशाने पर दिखाई दे रही है। अतीक और अशरफ माफिया थे, लेकिन फिलहाल कानून के संरक्षण में थे। फिर भी दोनों की सरेआम हत्या हुई और इस हत्याकांड पर बिहार में भी सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हत्याकांड पर हैरानी जताई तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे स्क्रिप्टेड बता दिया। यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए कि आप कोई जेल में उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है उस पर हमको नहीं कुछ करना। हमारा यह है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे। अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उतने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। अतीक की हत्या के बहाने बीजेपी पर हमला बोलते बोलते तेजस्वी यादव तो एक कदम आगे निकल गए, अतीक अहमद के नाम के आगे जी लगा बैठे। यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। अतीक और अशरफ के मर्डर की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 2 SIT का भी गठन किया गया है, लेकिन फिर भी बिहार के सत्ताधारी दल यूपी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद यूपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब कोई न्यायिक हिरासत में रहते हुए, पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए उसकी हत्या हो जाए, इससे ज्यादा बदतर या तो यह प्रायोजित हो सकता है और नहीं तो आपका कोई नियंत्रण नहीं है कानून व्यवस्था। हालांकि बीजेपी नेता इस हमले का तीखा जवाब दे रहे हैं, जांच के बाद बड़ी साजिश के खुलासे का दावा कर रहे हैं। अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का। अब जांच के दायरे में है कि उसके मौत क्यों और कैसे हुआ है।
अतीक और उसके अपराध का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसकी हत्या के बाद सियासत का नया सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका असर आने वाले वक्त में और दिखाई देगा। लखनऊ से श्वेता सिंह और प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव, अरविंदो झा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।